पत्रकार एसोसिएशन लखनऊ संगठन की संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। इस बैठक में लिए गए अहम निर्णय। ये बैठक हजरतगंज स्थित कॉटन होटल में संगठन के पदाधिकारियों के साथ रखी गई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए फारुखुद्दीन अहमद मेमोरियल कमेटी भाषा विभाग के चेयरमैन दर्जा प्राप्त मंत्री तुरत जैदी का पत्रकार एसोसिएशन संगठन ने अंग वस्त्र और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहां पर उपस्थित संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों ने भी तुरत जैदी का स्वागत किया। दर्जा प्राप्त मंत्री तुरत जैदी द्वारा संगठन के पदाधिकारियों को उनका कार्य पत्र सौंपा गया। वहां पर उपस्थित सारे पदाधिकारियों ने अपने कार्य को ईमानदारी और श्रद्धा के साथ निभाने का वचन लिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। माध्यम से उनके हाथों से उनको लेटर वितरित किए गए, उनको कार्ड वितरित किए गए। और दूसरी चीज़, हम जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे, जल्द ही हम प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। और हमारी बैठक में निर्णय लिया गया है कि कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे एक एक साथी को मजबूत करना है और निरंतर अच्छे लोगों का चुनाव करते रहना है। जिसी प्रकरण में हमारे पत्रकार संगठन के सारे ही कोर कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे और हमारे और भी लोग यहाँ पर प्रदेश कमेटी के भी लोग मौजूद रहे। उसी के लिए, उसी कड़ी में कहते हुए कि संगठन के विस्तार के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अहम फैसला लिया कि हर एक पदाधिकारी अपना निर्वहन, अपने पद का निर्वहन करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, खुद से जिम्मेदारी समझते हुए अपना कार्य करेगा। संगठन ने उसको राइट दिया है, उसको अधिकार दिया है, उसको जो पद दिया गया है वो उसके पास अधिकार है। वो अपने ही मत का अधिकार अपना प्रयोग करते हुए, अपना अधिकार प्रयोग करते हुए वो अपने संगठन में अपने स्तर से कार्य कर सकता है। और पत्रकार एसोसिएशन लखनऊ उत्तर प्रदेश हमेशा एकजुटता, एकता, अच्छे लोगों का चुनाव पर फोकस करता है, हमेशा मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम पर फोकस करता है। देखिए, आज हमारे बीच में माननीय मंत्री जी तुरत जैदी जी मौजूद थे। हमने उनसे अनुरोध किया है, जो पत्रकार हमारे इस काबिल हैं, अनुभवी हैं, सीनियर हैं और लगातार पत्रकारिता के फील्ड के अंदर लगातार दौड़ रहे हैं, अगर लगता है कि उनकी फाइल रेडी है, सक्षम है, तो उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करें। मान्यता प्राप्त पत्रकार बना